छह ब्रांचेस की एफिलिएशन है जिसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और फैशन टेक्नोलॉजी ब्रांचेज आते हैं। हमारे पास अच्छी तरह से सुसज्जित वेल इक्विप्ड लैब्स हैं जिसमें हमारे पास हमारी संस्था में लगभग 200 के करीब कंप्यूटर्स हैं। हमारे पास वेल ट्रेन फैकल्टी है। बच्चों के लिए हम समय समय पर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के प्रोग्राम आयोजित करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास वेल इक्विप्ड अच्छी तरह से सुसज्जित मशीनों से वर्कशॉप है। इसके अतिरिक्त हम बच्चों के पासपोर्ट के लिए फ्री सुविधा उपलब्ध कराते हैं। बच्चों के पासपोर्ट का जो भी फीस है वो हम उनको रिइंबर्स करते हैं। सरकारी बस पास फ्री हमारे पास जो है वो इसके अतिरिक्त ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हमारे पास सुविधा है। हम बच्चों के लिए जो ट्रेनिंग ड्राइविंग लाइसेंस है वो यही संस्था में उपलब्ध कराते हैं। बच्चों के लिए हमारे पास और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि हमारे इस बार 5 लड़कियों ने हमारे को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार हमारे 5 लड़कियों ने AICT द्वारा आयोजित स्कॉलरशिप में 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप अर्जित की है एंड दैट इज़ अ वेरी गुड हैंडसम अमाउंट। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि 10वीं पास करके जो बच्चा आता है 3 साल में ही 10वीं पास करके 3 साल में ही वो एम्प्लॉयबल हो जाता है, यानी उसको 3 साल में ही नौकरी मिल जाती है जिसके बाद वो अपना कमाते हुए आगे अपना फ्यूचर बना सकता है, आगे बढ़ सकता है और इसके अलावा इंडस्ट्री में जा सकता है एज पर हिज रिक्वायरमेंट। वो अपने हिसाब से किसी इंडस्ट्री में जाए, पर आप ये सोचिए कि बच्चा 10वीं पास करके 3 साल में ही एम्प्लॉयबल हो जाता है, जिससे कि जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं, जिन बच्चों को कि घर में एम्प्लॉयबिलिटी की जरूरत है, वे बच्चे अपना 3 साल का कोर्स करके अपनी नौकरी ले सकते हैं और घर वालों के लिए हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है गवर्नमेंट ने 10वीं पास बच्चों के लिए। जिन बच्चों ने 12th की हुई है, ITI किया हुआ है या साइंस स्ट्रीम से हैं, उनके लिए यह कोर्स 2 साल का है। जिन बच्चों ने 10वीं की हुई है उनके लिए यह कोर्स 3 साल का है और 3 साल के बाद 10वीं पास करने के बाद बच्चा यहाँ से एम्प्लॉयबल होके जाता है, यानी वो डायरेक्ट नौकरी के लायक हो जाता है, जिससे कि वो अपनी जीविका शुरुआत कर सकता है। इतनी कम उम्र में अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो, 17-18 साल की उम्र में अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो, उसके बाद आप अपनी मेहनत से आप बहुत हाई राइज कर सकते हो। कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जो बाहर भी गए हुए हैं, कुछ बच्चे इंडस्ट्रीज में अच्छी पोजीशन पर हैं। तो मैं सभी से ये जो भी पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं उनसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि एक बार आकर विजिट करें और विजिट करने के बाद अपना मन बनाएं और यहाँ पर आप जो भी एडमिशन की प्रक्रिया है उसमें भाग लें और एडमिशन लें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका जो करियर है वो हमारे हाथों में सुरक्षित। नमस्कार, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भिवानी में समय समय पर बहुत सी रेपुटेड इंडस्ट्रीज आती रहती हैं बच्चों की प्लेसमेंट के लिए। उनमें से कुछ इंडस्ट्रीज हैं फरुकावा मिंडा बावल, वन स्नैक्स भिवाड़ी, सोलिटेयर इंफोसिस चंडीगढ़, बारमार्ट मल्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दारुएड़ा, माइक्रो टर्नर पंचकूला, पेन फूड्स, कंधारी बिवरेजेज, कोको कोला, बिकानो लाइफस्टाइल, टैलब्रोस बाउल। ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को अपनी इंडस्ट्री में लेके जाती हैं, जैसे कि कुछ सिविल के बच्चे हमारे JEE के पद पर आसीन हैं, मैकेनिकल के बच्चे हमारे JCB, सुब्रोज, एस्कॉर्ट्स, विकास ग्रुप, मिंडा जैसी अच्छी रेपुटेड इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, फूड टेक्नोलॉजी के बच्चे हमारे एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड में सीनियर क्वालिटी एग्जीक्यूटिव के पद पर आसीन हैं, यूनिक फ्रेगनेंस, बिकानो, कोको कोला, प्रिया गोल्ड के अंदर क्वालिटी एग्जीक्यूटिव हैं, कंप्यूटर के बच्चे डेफोडिल जैसी अंतर्राष्ट्रीय इंडस्ट्री के अंदर हैं,
और वक्त वक्त पर हम MOU भी साइन करते हैं इंडस्ट्रीज़ के साथ, जिससे कि उनकी ट्रेनिंग और प्लेसमेंट हम कर सकें। जिनमें से कुछ हैं TIT कॉलेज भिवानी, बारमाल्ट माल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सोलिटेयर इन्फोसिस, सचटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मोहाली। वक्त वक्त पर हम बच्चों की खेलकूद पर ध्यान देते हैं, वृक्षारोपण होती है और उनके समृद्ध विकास के ऊपर हम ध्यान देते हैं। इस संस्था के अंदर बच्चा जो आता है उसको हम पूरी की पूरी फैसिलिटीज़ देते हैं कि वो अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से निखार सके। समय समय पर हम लेक्चर्स करवाते हैं, एक्सटेम्पोर्स करवाते हैं, मॉक इंटरव्यूज़ कराते हैं, जिससे कि उनका विकास हो पाए। अभी हमारे खुशी की बात है कि हमारे संस्थान की 5 छात्राओं ने प्रगति स्कॉलरशिप जो AICTE के थ्रू थी उसको पाया है, जिसमें उन्हें 50,000 रुपये मिलेंगे। तो ऐसी बहुत सी हमारी चीज़ें हैं जिसके अंदर हमारे विद्यार्थी काम कर रहे हैं और संस्था का नाम ऊंचा कर रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी आता है वह बहुत ही अच्छा एक माहौल पाता है पढ़ाई का।